ain't stopping us. Fly without boarding pass. Kill them, catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. I ain't up in a bar. We're shot star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. आपको वन टैप मानना है बट आपको डेजर्ट ईगल का वन टैप ही नहीं आता, तो क्या है वन टैप प्लेयर बनोगे यार? बट गाइस आप लोग को क्या पता है, आप इजीली सीख सकते हो डेजर्ट ईगल का इट्स अ ट्रिक। और गाइस इट इज एंड इसको आप यूज करके कोई भी प्लेयर को डेजर्ट ईगल से वन टैप मार के हरा सकते हो। और गाइस गलती से भी ये मत सोच लेना टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। तो गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा इजी होने वाले सीखने के लिए, बट जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। और गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, आप अगर इसको यूज करते हो तो आप इजीली डेजर्ट ईगल वन टैप किंग बन जाओगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस हमारा अनिस भुजल गेमिंग भाई ने बोला है नेक्स्ट वीडियो ऑन डेजर्ट ईगल। तो गाइस यस, आज डेजर्ट ईगल हेडशॉट पे टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी गाइस ये मत बोलना अबे उसने डेजर्ट ईगल के ऊपर वीडियो बनाने बोला है तो डेजर्ट ईगल हेडशॉट के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स बोल रहा है, अबे साले आता नहीं है कब बनना। तो गाइस मुझे पता नहीं है डेजर्ट ईगल से करते क्या, अगर आपको अचार डालना है तो आप डाल सकते हो उसमें। बट गाइस आई थिंक बहुत लोग हेडशॉट ही मारने के लिए डेजर्ट ईगल यूज करते हैं, तो आपको अगर डेजर्ट ईगल हेडशॉट के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखो। तो गाइस चलो हमारे फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस मुझे ट्रिक नंबर वन आता है, वो है पीक वन टैप हेडशॉट। तो गाइस गलती से भी ये मत सोच लेना, आपको पीक पे जाना है और पीक पे जाके वन टैप हेडशॉट का ट्राई करना है। तो गाइस यहाँ पे बारमुंडा वाले पीक की बात नहीं हो रही, मतलब गाइस यहाँ पे कवर फायर की बात हो रही है। तो गाइस आपको थोड़ा एनिमी को पीक देना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा कवर से निकलना पड़ेगा। बट गाइस एकदम ही कवर से नहीं निकल जाओ, नहीं तो एकदम ही खलास कर देगा एनिमी। तो गाइस आपको जॉयस्टिक के माध्यम से थोड़ा कवर से निकलना पड़ेगा एंड गाइस अपना जो एनिमी है उसको ललचाना पड़ेगा। एंड गाइस जब देखो आपका एनिमी आपको फायर करने जाएगा तो तब आपको अपना जॉयस्टिक है वो एकदम ही छोड़ देना पड़ेगा। और गाइस ये स्टेज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर जॉयस्टिक को नहीं छोड़ोगे और आप जॉयस्टिक को यूज करते करते फायर करोगे तो गाइस आपका जो बुलेट्स होंगे वो एकदम ही एक्यूरेट नहीं लगेंगे, क्योंकि गाइस जब आप जॉयस्टिक बटन को यूज करते हो तब आपका जो एम होता है एकदम ही स्टेबल नहीं रहता, इसलिए गाइस आपका जो एनिमी है उसको हेडशॉट लगने का चांसेस थोड़ा कम जाता है। बट गाइस इसी जगह आप अगर जॉयस्टिक का यूज नहीं करोगे तो गाइस योर चांसेस आर हाई आपका हेडशॉट लगेंगे। बट गाइस ये जो ट्रिक है ना वो बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज के लिए नहीं बनी है, थोड़ा सा आपको मिड रेंज पे ये यूज कर सकते हो। बट गाइस ये भी नहीं है एकदम ही नहीं लगेंगे, लगेंगे बट थोड़ा कम लगेंगे शॉर्ट रेंज पे, बट आप जब मिड रेंज पे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेंगे। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस मुझे ट्रिक नंबर टू आता है, वो है प्रेडिक्शन शॉट विद मूवमेंट। सो गाइस ये जो ट्रिक है ना आपको शॉर्ट रेंज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो गाइस इस ट्रिक को आपको यूज करने के लिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, मतलब गाइस आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। सो गाइस आपको एक शॉट मारना है और ग्लू वॉल लगाना है, नहीं तो आपको गन स्विच कर लेना है। और गाइस आपको ऐसे ही फायर करते रहना है, मतलब आपको पता नहीं होगा, आपको जस्ट प्रेडिक्ट करना है जो आप इसको अगर मारोगे तो हेडशॉट लग जाएगा, क्योंकि गाइस ये जो ट्रिक है वो फुल्ली प्रेडिक्शन के ऊपर बेस करता है। बट गाइस मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आप अगर पहले से अगर अपना जो एम है वो बॉडी पे लॉक कर लेते हो तो गाइस आपका जो हेडशॉट है वो नहीं लगता है, आपका ओनली बॉडी चिपकेगा। तो गाइस आपका जो एम होता है उसको आपको वाइट रखना पड़ेगा। एंड गाइस आपका जो एम होता है आपका एक सेकंड से भी कम रहना चाहिए बॉडी पे, मतलब गाइस आपका जो एम होता है वो एक सेकंड से भी कम तक होल्ड ऑन करना है बॉडी पे, नहीं तो गाइस इससे भी आपका जो एम होता है वो बॉडी पे लॉक हो जाएगा, और अगर बॉडी पे चिपक जाएगा तो हेड पे क्या चिपकेगा। सो गाइस मुझे ट्रिक नंबर थ्री आता है, वो है रेंज। सो गाइस आपको पता होगा हमारे जो डेजर्ट ईगल है वो हमको लॉन्ग रेंज में भी बहुत ज्यादा अच्छा डैमेज प्रोवाइड करता है। एंड गाइस आप अगर अच्छे से डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कितने ड्रैग पे मेरा जो हेडशॉट है वो लगेगा, क्योंकि गाइस आपको अगर अच्छे से पता नहीं होगा तो गाइस कभी कभी आपका जो बुलेट होंगे वो एनिमी के हेड के ऊपर से चले जाएंगे, कभी कभी आपका जो बुलेट होंगे वो आपका बॉडी पे चिपक जाएगा। तो गाइस जो रेंज होता है वो बहुत ज्यादा फैक्टर होता है जब आप डेजर्ट ईगल से वन टाइम हेडशॉट का ट्राई करोगे। तो गाइस आप जब लॉन्ग रेंज होंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कम ड्रैग करना है, मतलब गाइस आपको इतना सा ड्रैग करना है जिससे आपका वन टाइम हेडशॉट बहुत ही ज्यादा इजीली लग जाएगा, क्योंकि गाइस ज्यादा लॉन्ग रेंज में आपका ज्यादा ड्रैग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट गाइस आप अगर करते हो तो लगता भी नहीं है हेडशॉट। सो गाइस लॉन्ग रेंज में आपको बहुत ही ज्यादा कम ड्रैग करना है, बट गाइस शॉर्ट रेंज में इसका एकदम ऑपोजिट होता है, मतलब गाइस शॉर्ट रेंज में आपको बहुत ही ज्यादा ड्रैग करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आप अगर शॉर्ट रेंज में ज्यादा ड्रैग नहीं करोगे तो आपका जो हेडशॉट है वो नहीं लगेंगे, क्योंकि गाइस आप अगर जोर से ड्रैग नहीं करोगे तो आपका जो एम है वो बॉडी पे चिपका रहेगा। तो गाइस आप अगर एकदम ही परफेक्ट होना चाहते हो इसमें तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कितने रेंज में आपको कितना ड्रैग करना पड़ेगा।
सो गाइस हमारा ट्रिक नंबर 4 आता है वो है फोकसिंग ऑन योर एम। तो देखो गाइस आपका जो एम है आप अगर उसको अच्छे से फोकस नहीं करोगे तो आपका जो हेडशॉट लगने के चांसेस है डेजर्ट ईगल से तो वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो गाइस आप डेजर्ट ईगल छोड़ो, आप अगर हेडशॉट मारना चाहते हो ना तो आपको अपना एम को परफेक्ट करना ही पड़ेगा। तो देखो गाइस एम परफेक्ट के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तो बना दिया, आप चाहो तो आई बटन पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी है तो देख लेना। बट गाइस मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपका जो एम है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस आप अगर डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपका जो एम होता है उसको एनिमी के चेस्ट के ऊपर रखना है, क्योंकि आपका जो एम है वो आपके एनिमी के हेड के आसपास रखेगा तो इजीली आपका जो डेजर्ट ईगल से हेडशॉट लगने लग जाएगा। एंड गाइस आप अगर एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हो तो वो वाला वीडियो देख लो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप इजीली डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारने लग जाओगे जब ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप गेम में अप्लाई करोगे। बट गाइस मैं नोटिस कर रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो यार? चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास में नोटिफिकेशन बेल है उसका प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो। और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना और एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और गाइस आप भी अगर चाहते हो नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे बने तो कमेंट कर देना, और अगर कमेंट करने वाले हो तो ये भी बता देना वीडियो कैसा लगा। तो गाइस वीडियो का यहाँ पे देखा था हम, तो चलिए बाय बाय।